भाई अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं गीगा मॉल, पीछे शामली बिहाइंड द सीन्स। हम जा रहे हैं पेमेंट करवाने के लिए एडसेंस की। अच्छा पहले शायद हमारी होती रहती है आपने। हाँ हाँ बहुत दफ़ा हम तो तीन दफ़ा आपसे निकालते हैं। ऑन है ये सामने है, मेरे सामने है। अच्छा भाई सो पेमेंट आ गई है, रिसीव हो गई है। पेमेंट जो है इस दफ़ा आई है $225 ठीक है। और ये 36,000 के करीब बनते हैं, 36,150 बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ठीक है। मैं ये ट्रांसपेरेंटली आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन दियो, आप लोगों को पता ही है। बेशक थोड़ी हो ज़्यादा हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक 5,000 भी क्यों आए, जिसको 5,000 से मोटिवेशन होनी है वो 5,000 से भी मोटिवेट हो जाएगा, जिसको 20,000 से मोटिवेशन हो। तो हर बंदे की अपनी अपनी मोटिवेशन की कैटेगरी है, ठीक है। सो माय रोल है इसका, मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बताऊं। कोरोना के टाइम्स में भी CPM लो ही हुई है, और दूसरा आपने देखा कि मैं ऑलमोस्ट हाफ फ्रिक्वेंसी से वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। तो जब आप इतना, पहले मैं 30-30 वीडियोज़ महीने की बना रहा था, जब मेरे मैक्सिमम कितने $1,200 आए थे, और ये कितने हैं, ये $200 समथिंग है। तो इसके अंदर आपका कोरोना की वजह से CPM का भी फ़र्क पड़ता है, दूसरा हमारी फ्रिक्वेंसी वीडियोस थोड़ी बनाएंगे, थोड़े व्यूज़ आएंगे, और ओवरऑल थोड़ी आपकी पेमेंट रिलीज हो। तो अब आप हार्डवर्क करना आपका काम है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है टोटल 500K के करीब, शायद इससे भी कम व्यूज़ हुए हैं पूरे महीने में, तो उसके ऊपर ये आई है पेमेंट, ठीक है। तो दैट वॉज द टोटल अपडेट। अब हम थोड़ा मॉल घूमेंगे और फिर हम वापस घर जाएंगे। ओके तो यार अभी हम लोग आए हैं कोई शॉपिंग करने के लिए। मेरे लिए शामदी स्ट्रेस कर रही हैं कि आप कोई अच्छी सी शर्ट ले लें, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी आ रही है महताब की। तो हमारा जो इवेंट है ना उसके ऊपर कुछ ऐसा पहनना चाह रहे हैं हम लोग। ओ यार ये भी प्यारे हैं। ओ नाइस यार, बट यार ये कुर्ता शायद अच्छे लगेंगे। हाँ प्यारा लगेगा। इनकी प्राइस क्या है, इनकी प्राइसेस? शामदी को अच्छा लग रहा है इस टाइप का। हमारी बेसिकली जो है ना वो इवनिंग का इवेंट है, तो उसके ऊपर कोई अपर पहन सकते हैं कोई वेस्ट। कितनी प्यारी ऊपर आर्ट हुई हुई है ना, अभी देखा आपने? मैं नोटिस कर रहा था। चलिए आप पहले कुर्ता देखते हैं ना। ये 80% ऑफ है भाई वेडिंग वेयर पे, 30,000 का है ये। उसना कैसा है, ये अच्छा लग रहा है? ये कितने प्यारा लग रहा था यार। वो जिन जिन की शादी हो रही है उनको मुबारक हो यार। ये वाला अच्छा लग रहा है ना, नाइस। अच्छा मतलब ये प्रॉपरली ड्रेप हो गई इनके से ना। ये वाला उसना कोई अच्छा लग रहा है क्या? टोटल इसकी ये सेट श्रम जी को बड़े अच्छे लगे हैं यार, पूरे पर 16,000 का आफ्टर। अच्छा ये साथ इसके चादर है, साथ ये दोनों हैं। ये वैसे अच्छे लग रहे हैं दोनों। हमारे पास चादर तो है ना, तो चादर तो हमारे पास हैं। नहीं ये नहीं थे मज़े का, ये सबसे डिसेंट है जो उन्होंने आगे लगाया हुआ है। ये भी ठीक है ये। अच्छा इसमें और गुंजाइश हो जाएगी इसमें, ठीक। और बच्चे पकड़े 15 का हो जाएगा। तो अब ये सीन है कि फ़िलहाल हमने अभी हमने फ़िलहाल देख ली हैं चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग करना ये है कि अभी हम लोग घर एक दफ़ा जाएंगे और जाके देखेंगे घर में क्या अवेलेबल है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि इधर आके हमने और कुछ लेना है या नहीं, ठीक है।
क्योंकि वही 16,000 का सिस्टम है, थोड़ा सा देख के चूज़ करके लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को पेमेंट से मोटिवेशन हुई है पेमेंट देख के। ओके, अभी हम लोग बातें पे जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब हम लोग वन पे आ गए हैं, कुछ इधर से भी देख लें। ओ यार, ये वाला स्वेटर कितना प्यारा है यार, लेवल। ऐसे बाल आ जाए ना। पर गेंद जो है वो स्मॉल है, कॉमी ऑरेंज जो है वो मीडियम है, ठीक है। थैंक यू। चलो यार, अब हम लोग जूसेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, उसने भी कह रही थी जूसेस लेने। तो ये गीगा मॉल में बड़ी अच्छी शॉप है, यहाँ पे ये फ्रेश जूसेस देते हैं। मुझे कैसे पता न चला कि तू मेनू प्यार करदा है, मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार करदा है, मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू कितना मरदा है, मुझे कैसे पता न चला कि तू मेनू प्यार करदा है। पापा जानी अभी जूस पिएगी। उनको बताओ वरना फिर वो कैसे देंगे। अंकल ऑरेंज है हमारा, ये आपको कैरी। हाँ, ये शुगर केन हो गया, और कौन सा आपका कौन सा है? ऑरेंज है आपका, ठीक है। अब वो अंकल आएंगे ना। अंकल ये सुनिए, इसकी बात की क्या कह रही है, कौन सा चाहिए आपको? ऑरेंज। चलो ओ तेरी खैर, पीनी शुरू हो गई है। मजे का है? नहीं मजे का? अच्छा यार, सो ये शॉर्ट सी वीडियो थी, आपको मैंने दिखाया कि किस तरह मैं गीगा मॉल से गूगल एडसेंस की पेमेंट रिसीव करने गया था, जो यूट्यूब के थ्रू आई है $36,150.75, और एक्सचेंज रेट बनाया जी 160 का। और ये बड़ी किस्मत की बात है कि जब डॉलर 152-153 पे था, तो उन्होंने उस वक्त पेमेंट नहीं आई थी, और जैसे ही डॉलर बढ़ा तो पेमेंट रिलीज़ हो गई, अल्लाह की तरफ से होता है। तो $225.51 बने हैं। तो ये आप लोगों की मैं मोटिवेशन के लिए सिर्फ शेयर करता हूँ यार, वरना आप लोगों को पता है ये YouTube की पॉलिसी के अगेंस्ट है अपनी पेमेंट्स इस तरह शेयर करना। सिर्फ इसलिए करता हूँ, ये रिस्क सिर्फ इसलिए लेता हूँ, और कि ताकि आप लोगों को मोटिवेशन हो। मतलब मुझे कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आप लोगों को पेमेंट शेयर करूँ नहीं कर रहा। लास्ट ईयर नवंबर में ही मेरी हाईएस्ट आई गेस पेमेंट आई थी, जो मैंने पहले लास्ट ईयर वीडियो में आई थी, मेरे ख्याल है $1200 के, $1200 के अराउंड आई थी। तो इस दफ़ा जो है वो आपको पता है कि कोरोना की वजह से हर चीज़ हिट हुई हुई है। दो रीज़न है पेमेंट क्यों कम आई है, अगर $1200 आई और इस दफ़ा $225 आई, मतलब $1,000 कम आई है, उसकी रीज़न ये नहीं है, टोटली कोरोना के ऊपर वजह नहीं है। कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट वन फिफ्थ मैंने फील किया कि हमारी CPM ड्रॉप हुई है, मतलब कि अगर आपकी 5 गुना इनकम कम हो गई है। लेकिन ये तो रिकवर काफ़ी हद तक कर गई पिछले 2-3 महीनों में। सो मैं टोटल ब्लेम कोरोना को इसका नहीं दूंगा, मैं इसको ब्लेम खुद को भी दूंगा। मतलब ब्लेम नहीं, मतलब कि मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि टोटल कोरोना की वैसे ये नहीं है, आप लोग डीमोरलाइज ना हो जाएंगे यार। ओहो, अगर हसाम भाई के 5 लाख व्यूज़ पे अगर जो है ना कितनी 36,000 इनकम हो रही है, तो हम छोटे यूट्यूबर्स क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना की वजह से जो हमारी हिट हुई थी ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक वीडियो के ऊपर 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो नॉर्मल डेज़ में पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ ऑलमोस्ट 50% डॉलर बन रहे थे। मतलब अगर 20,000 व्यूज़ हैं तो $10 बन रहे थे, 30,000 व्यूज़ हैं तो $15 बन रहे थे, 40,000 व्यूज़ हैं आप कह रहे हैं कि $20 बन रहे थे। तो इस तरह का हिसाब था कोरोना से पोस्ट पहले।
अच्छा, जब कोरोना आया मार्च अप्रैल जून वगैरह में, तो फिर तो आप कह लें कि अगर 20,000 व्यूज़ आए हैं तो $3-5 बन रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप कह लें कि कहाँ $20 बन रहे हो 40,000 व्यूज़ पे और कहाँ पे आपके $4-5 बन रहे हो, तो ऑलमोस्ट 1/5 जो है ना इनकम ड्रॉप हो गई कोरोना की वजह से। बट ये आई थिंक 4-5 महीने रहा और पिछले 1-2 महीनों से काफ़ी हद तक रिकवरी फील हुई है, बट अगेन दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है, अल्लाह को पता है क्या चीज़ बेहतरी है इसमें। बट आपने डिमोरलाइज नहीं होना, आपने लगे रहना है, क्योंकि दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ दी इनकम स्ट्रीम हाउ यूट्यूबर्स अर्न। यूट्यूबर जो है, कोई भी यूट्यूबर टोटली इसके ऊपर रिलाय नहीं करता और एटलीस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का ना, ये आप कह लें कि गूगल एडसेंस की या एड्स की इनकम जो होती है ना, दिस इज़ लाइक अ पेंशन। तो बस अगर अगर कोई बंदा को यही सिर्फ खाने की हैबिट हो जाए ना, अगर वो कोई और एवेन्यूज़ ना एक्सप्लोर करे, तो फिर वो बड़ा उसके लिए डेंजरस होता है। सो आई वुड एक्चुअली वांट के आप लोग जो न्यू बिगनर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या जो आना चाह रहा है यार अच्छा यार इनकम होती है, चलो हमारे लिए 40,000 भी बहुत है, अगर हम ये आई है अंदाजन 5 लाख व्यूज़ पे, मतलब पूरे पिछले 30 डेज़ की पेमेंट है, पिछले 30 डेज़ में कोई 5-1 लाख के करीब व्यूज़ हुए हैं सारी वीडियोज़ को मिला के, उसके ऊपर 36,000 के करीब इनकम आई है। सो अब आप जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, मेरा ख्याल टोटल मैंने 12-15 से भी कम वीडियोस बनाई होंगी पिछले महीने में, तो आप जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, अगर मैं 30 वीडियोस बनाता तो क्या पता, ये ऑब्वियसली बात है इनकम डबल होती मेरी, तो मतलब अगर अभी 36 आई है तो फिर 70-80,000 होती, तो वो टोटल आपकी एफर्ट पर डिपेंड रहता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ऊपर से आप किस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे यूट्यूब में इनका। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, सिखाता भी हूँ, अगर आपका आपको शौक है यार मैंने यूट्यूब की ग्रोथ लर्न करनी है, तो आप मेरा यूट्यूब का ग्रोथ कोर्स है, उसका मेरा बेसिकली व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, बिजनेस व्हाट्सअप नंबर, अगर आपने लर्न करना है यूट्यूब पर किस तरह ग्रोथ होती है, किस तरह आप कि आप कैसा कॉन्टेंट बनाएं जिसकी वजह से आपकी जल्दी ग्रोथ हो, आपका कि लोग हर वीडियो आपकी ज़्यादा देर तक देखें, क्योंकि यूट्यूब पे ना उस दिन भी हमारा 100 यूट्यूबर्स मीटअप हो रहा था, तो उसमें मैंने यही चीज़ सारे ब्रदर्स का शेयर की थी कि यूट्यूब पे ग्रो करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। नंबर 1 ये है कि आपका टाइटल और वीडियो का थंबनेल इतना इंटरेस्टिंग हो कि लोग पहले तो वीडियो खोल कर देख लें। पहला मकसद क्या है कि हम आपके जो बिल्डिंग आपने बनाई है उसका दरवाज़ा इतना खूबसूरत हो कि लोग वो दरवाज़ा खोल के अंदर आना चाहें आपके शहर में, एक दफ़ा वो अंदर आ गए फिर आपको और उनको को दिखाना है, ठीक है। तो पहला मकसद क्या है कि टाइटल अच्छा हो, थंबनेल इतना इंटरेस्टिंग हो, लोग उसको खोल के आ जाएंगे, यूट्यूब को पता चलता है कि यार ये वीडियो का क्लिक थ्रू रेट CTR कहते हैं, वीडियो का को क्लिक थ्रू रेट इतना अच्छा है, 12-13% है, जिन वीडियो का 12-13% से ज़्यादा होता है यूट्यूब उसको अच्छा कंसिडर करता है, जिनका 7-8-6% होता है तो वो मतलब कि यूट्यूब उसको फिर और आगे पुश नहीं करता। दैट मीन्स आपने अपने यूट्यूब की एनालिटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में जाके देखना है यार आया मेरी वीडियोज़ के CTR कितने हैं, मतलब कितने लोगों को खोल रहे हैं, अगर 5-7% है आपको मतलब इसका मतलब कि आपको अपने टाइटल और थंबनेल पे काम करना है। उसके बाद जब आप उसको वीडियो को बंदे ने खोल लिया, अब आपको उसमें ऐसा कंटेंट दिखाना है जिसमें बंदा आखिर तक जमा रहे, ठीक है, जिस तरह आप उसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस का कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लास्ट में दिखानी है, आप पहले उसको बता दें क्या ये चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगा, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गूगल एडसेंस की पेमेंट दिखानी थी बट आपने शुरू से बहुत देर तक देखा गया ठीक है कहाँ पे जाके एडसेंस की पेमेंट दिखाएंगे। सो मतलब कि मुख्तलिफ तरीके हैं, आप उसको गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, मेरा अगर आपने कोर्स लेना है कोर्स से आप सीख लें, मतलब मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स से सीखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपनली गूगल पे यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, मकसद ये है कि आप जाके लर्न करें यार किस तरह ऑडियंस को हम रिटेन करते हैं, कैसे ऑडियंस ज़्यादा देर तक हमारा कंटेंट देख सकती है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने भी यूट्यूब ग्रोथ कोर्स में एक्सप्लेन की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप लोगों को पता है किस तरह कॉन्टैक्ट करना है आपने मुझे, आप सिंपली कहें साहब भाई ये आपका जो यूट्यूब ग्रोथ कोर्स है इसकी मुझे आप डिटेल्स बताएं, कैसे इसमें हम और क्या लर्न करेंगे, इसकी मुझे प्राइस बताएं, कैसे पेमेंट करनी, मैं आपको सारी चीज़ें आराम से गाइड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है। बाकी बस ये क्या हिम्मत ना हारें कि यार पेमेंट कम आई है ज़्यादा आई है आप लोग लगे रहें, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपको वैसे भी इनकम की फिक्र करनी नहीं है, 6 महीने साल आपको वैसे भी इनकम तो आनी कोई नहीं है, तो आप इस चीज़ के पीछे ना भागना छोड़ दें कि यार बस मैं कहीं से फेक व्यूज़ पकड़ लूँ, कहीं से फेक सब्सक्राइबर पकड़ लूँ, मेरी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाए, भाई मोनेटाइजेशन कंप्लीट होगी तो क्या होगा, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है कि आपके पास गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हैं, ठीक है, और आप बंदे को कह रहे हो यार बस मुझे ना धक्का लगा के ना मोटरवे तक चढ़ा दो, ओ भाई धक्का लगा के मोटरवे के बाद कौन लेके जाएगा आपको आगे, तो आप मतलब ये है कि ऑर्गेनिक जेन्युइन कंटेंट बनाएंगे तो आगे आपकी इनकम होगी ना, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई फिर क्या फ़र्क पड़ेगा उसे भाई, आगे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मकसद ये है कि लर्न करें कि जेन्युइन कंटेंट कैसे बनाना है, कॉपी छापे पेस्ट उठाओ किसी का कंटेंट उठा कर उधर मारा उसका उठा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह, ठीक है, सो टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़, आई होप कि आपको इससे मोटिवेशन होगी, अल्लाह करे आप सबके चैनल्स बहुत ग्रो करें, अल्लाह हाफिज़।